हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। मैं हूं और मैं हूं जफर इकबाल। और अब देखने जा रहे हैं भाई नेक्स्ट एपिसोड 87 का पहला पार्ट। आपको पता है कि पहले गुफा में चले गए थे पांडवा पुत्र, वही भाई गुफा सी बनी हुई है जंगल की तरह। आप कौन साहब, मैं बोल रहा हूँ कि कुएं में भाई गए। तो खैर, पांडवा पुत्र और कुंती जी अब कट हैं वहाँ पर, और काफी ना भाई खतरनाक माहौल बना हुआ है। ये अब देखते थोड़ा हैं सा वो हमारे लिए परेशानी बांध रही है कि वो अगर साथ ना होती तो शायद ये और तरीके से उस चीज को ट्रीट करते, लेकिन जाहिर बात है अब वो साथ हैं, बहुत चीजें देखनी होती हैं उनको। बिल्कुल, अब देखते हैं कि अब क्या होता है। तो करते हैं वीडियो भाई स्टार्ट। ये मायावी वन है नकुल, मायावी। माता, इस समय हम जिस वन में हैं वो राक्षसों का वन है। बहुत वर्ष पूर्व पितामह ने राक्षस हिडा को पराजित किया था। सभी राक्षसों को अपने वन से बाहर ना जाने का आदेश दिया और वचन भी दिया था, आज के बाद भरतवंशी और राक्षस एक दूसरे की भूमि में प्रवेश नहीं करेंगे। तभी से राक्षसों ने इस वन को मायावी बना दिया। राक्षसों के राजा की इच्छा के बिना मनुष्य वन में प्रवेश तो कर सकता है, परंतु बाहर जाने का मार्ग प्राप्त नहीं कर सकता। विष्णु जी ने इनको उस वक्त ये, और ये सब कुछ हमें गुरुदेव ने सिखाया था। यदि गुरुकुल में तुम अपना मुख ना देखते, गुरुदेव का मुख देखते, तो इतने प्रश्न ना पूछने पड़ते। अच्छा, खतरे की कोई बात नहीं। लेकिन वो अब अपने रूप में आई है, खुश हो रही है। मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी। जी जी, द्रौपदी, अन्नपूर्णा पूजन का मुहूर्त निकट आ रहा है। पांचाल की परंपरा है कि मनुष्य के जीवन का सबसे प्रथम पूजन होता है ये, जन्म के पश्चात तुरंत। और तुम्हारा और दृष्टिद्युम्न का भी तो अभी जन्म हुआ है ना। खंडनी भी साथ साथ हंसती हंसती रही हो द्रौपदी, विचार कर रही हो कि बालक जन्म लेते ही पूजन में किस प्रकार बैठते होंगे। बालक को माता अपने गोद में लेकर पूजन के लिए बैठती है। अच्छा। और बड़ी बहन भी माता के स्थान पर होती है। अर्थात आप मुझे अपनी गोद में बिठाकर पूजन करवाएंगी। मैं देखने वाले हंसेंगे हम, ठीक है, मैं आपका हाथ पकड़कर आपके पास बैठ जाऊंगी। क्षमा करना द्रौपदी, किंतु हमें सेना को सज्ज करने जाना होगा। दासियां तुम्हें पूजन के लिए ले जाएगी।
काफी परेशान है। आंसू नहीं आने थे फिर आ गए। ये तो मेरे सुख के आंसू है अर्जुन। इतने कठिन समय में तुम सबको हंसता हुआ देखकर मुझे तुम सब पे गर्व है पुत्र। होना भी चाहिए। कठिन समय माता, समय कठिन नहीं होता। जब मनुष्य हंसना भूल जाता है तो समय कठिन प्रतीत होता है। सही बात, अभी हम हंस रहे हैं, हमें कोई कठिन नहीं लग रहा। अब विश्राम कीजिए माता। आज हम पांचों बाहर की ओर संग निद्रा का विचार भी किस प्रकार आया तुम्हें अर्जुन? इस राक्षसों के राजा को पराजित करके यहां से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढना है हमें। चलो भीम, इस वन में हम उन्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। ये वन मायावी है, मायावी। अब भीम को क्या पता हम उनसे अवश्य मिले। ये चिंता छोड़िए और विश्राम कीजिए भ्राता भीम। मैं कुछ समझा नहीं। ये राक्षस नरभक्षी हैं भीम, अर्थात हम जैसे मनुष्यों को खा जाते हैं। जैसे आप अपने लड्डू को ढूंढ ही लेते वो भी हमें ढूंढ लेंगे। भोजन है उनका। भोजन है भीम के भाई, घबरा रहे हैं। क्लास ले लिए छोटी। तो आप भयभीत मत होना भ्राता भीम, मैं आपका रक्षण करूंगा। भीम भाई अगर राक्षस को मिल जाए ना, तुम तो मुखवास की भांति उसके दांतों में ही रह जाओगे। तुम तो उसके पेट तक भी नहीं पहुंचोगे। मेरा रक्षण करोगे, उस राक्षस की मृत्यु मेरे हाथों लिखी है नकुल। ओ भाई बनाया हुआ क्या तेल क्या जो मनुष्य है बड़ा सबसे, वो भीम के बारे में मारेंगे हम उसे पहले सबसे। इतनी पावर आ गई। भीम भाई हंस रहा है खुले में। और उसके मां से हम राक्षसों को पूरे एक मास तक मांस मिलेगा। एक माह तक वो खा सकते हैं भाई। लंबी क्वालिटी का सोच रहे भाई। आज कितने वर्षों पश्चात हम राक्षसों को मनुष्य का मांस मिलेगा। इसकी मृत्यु मृत्यु भई होगी।
ये मनुष्य बहुत बलवान दिखाई दे रहा है, कहीं ये हमें ही पराजित ना करते। हिडिंबा, बस किसी प्रकार तुम अपनी माया का प्रयोग कर इन्हें हमारे गांव तक ले आओ। ओ भाई साहब, शेर का भूत। तत्पश्चात वो हमारे राक्षसों के समक्ष क्षण भर भी टिक नहीं पाएंगे। हिडिंब के इस वन में केवल वही प्रवेश करता है जिसकी प्रतीक्षा। यहाँ पर ना अब देखें, सबसे पहले तो काफी खुश हो रहे थे अर्जुन युधिष्ठिर, क्योंकि उनको भाई माया देवी जो जाल है या ऐसे जंगल सब का पता चल गया, था। तो अब वो काफी एक दूसरे के साथ हंस के भीष्मा जी ने भाई इनको पहले एक इनको इनके बिल्कुल एक दफा जा रहे थे जंगल में, तो वो ये आए थे हैं। तो उस वक्त ये एक वाकया आया था, तो उस वक्त उन्होंने इनको एक जगह पे भेज दिया कि वहां से ये नहीं निकल सकते नहीं, और जो भी इनकी तरफ जाएगा वो बच के नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा भाई। अब काफी मामला खतरनाक हुआ देखें, और उससे पहले भी तो द्रौपदी जी निकली हैं। अब द्रौपदी जी हाँ तो अब वो भोजन करेंगी, तो शिखंडनी तो नहीं साथ जा रही, तो उनको भाई उस चीज की वो थोड़ी सा ना बचपना और सब कुछ यादें कर रही, माँ का प्यार, ये चीज़ें उनको महसूस ज़रूर होगी आगे आगे जैसे जैसे इन चीज़ों का भाई जिक्र होगा। लेकिन उसके बाद आए इधर पांडवा पुत्र पर, आप तो देख लो वो खतरनाक कितने शेर का उसने भाई मुंह पूरा एक निकाला ऊपर पहना हुआ है, जब ऊपर लेगा भाई भाई तो ऐसा मतलब कि इधर कहीं शेर भी आया होगा और उन्होंने पकड़ लिया है जंगल में जहरी, और कितना खुश हो रहा है कि हम इतने दिन तक सिर्फ भीम को ही खाएंगे। हाँ, भीम का भोजन कर रहे हैं, थोड़ी हंसी आ रही है इसको भाई, पता नहीं भीम चीज क्या है। जब मुकाबला होगा तब इसको पता, मुझे नहीं लगता ये मुकाबला करेंगे कौन ये पांडव पुत्र, क्योंकि इनके पास एक तो चलो एक ताकत है ना, उसके अलावा इनके पास वो दरख्त नहीं देखा आपने भाई। ये चीजें भी उनके सारे उनके अंडर है ना, ये जो भी इधर है वैसे भी उनके हथियार भी नहीं पास भाई। उनको बुलाने का प्लान हो रहा है, अब देखो कौन कामयाब होती है या एक रूप बदलती है क्या करती है, जो भी उसने करना है। लेकिन अब मामला इधर काफी गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि पांडव पुत्र काफी मतलब ना इजी हो रहे हैं कि हम उनको देख लेंगे या हर चीज कर लेंगे, लेकिन खुश हैं। वो बात अर्जुन जी ने ठीक ही बोली थी कि आप मतलब कि हंसते रहा करें, कैसे नहीं खुश रहे वो। और वैसे भी कुंती जी भी काफी भाई खुश हो रही थी, मेरे जो पुत्र हैं काफी बिल्कुल गर्व है ना, यही तरबियत का एक हिस्सा होता है, तो इकट्ठे रहना सिखाया। खैर अब देखेंगे कि जो राक्षस हैं इनकी क्या चाल होती है वो नेक्स्ट पार्ट में, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए भाई गुड बाय, टेक केयर।